Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Enjoy Info. आज का जो वीडियो लेक्चर है वो MS Excel के आपको कुछ सीक्रेट टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने फाइल जो है बनाई है शीट के अंदर. यहाँ पर कुछ डाटा है. आप डाटा को अगर देखते हैं तो इनके अंदर कुछ सेल जो हैं मिसिंग है. और आपके पास भी कोई ऐसी शीट आपने बनाई हो सकती है या कि आपके कोई ईमेल आपके पास आती है और आप शीट जब ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि इनके अंदर काफ़ी जो सेल्स हैं मिसिंग है. उनके अंदर कोई भी डिजिट या के कोई टेक्स्ट नहीं है और आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम है या कि आपने प्रिंट ले रहे हैं तो आपकी स्पेस जो है ज़्यादा कवर हो रही है. आपने एम्प्टी सेल्स को डिलीट करना है तो वो आप किस तरह डिलीट करेंगे. अगर आप वन बाई वन डिलीट करते हैं तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके लिए लगेगा और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का भी काम हो सकता है. शीट आपकी काफ़ी ज़्यादा पेजेस की भी हो सकती है और काफ़ी जो है शीट आपकी लंबी और टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है. आपने क्या करना है कि जिस शीट के अंदर आपके पास एम्प्टी सेल्स हैं और अगर आपने डिलीट करना है तो सिंपल आपने अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है. सेल को जब आप सभी अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्टी सेल्स को भी और जिनके अंदर टेक्स्ट है उनको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने होम टैब पर क्लिक करने के बाद आपने फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी ऑप्शन होगी गो टू स्पेशल की ऑप्शन. इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है. क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगी ब्लैंक्स की. इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और आपने ओके कर देना है. जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सभी जो ब्लैंक सेल्स हैं ये सिलेक्ट हो चुके हैं. अब आपने सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद आपने डिलीट के बटन पर प्रेस करना है. यहाँ पर आपसे ऑप्शन कुछ पूछी जाएंगी. अगर आप शिफ्ट सेल लेफ्ट करते हैं तो आपके सेल्स के डाटा जो है सभी डिलीट होगा और एंटर रो करते हैं तब भी इंटायर रो करते हैं तब भी आपका जो है डाटा लॉस होगा और आपका डाटा डिलीट भी हो सकता है और आपकी रो भी हैं जो सभी डिलीट हो जाएंगी. तो आपको पता है कि आपका डाटा रो के और कॉलम दोनों के अंदर है तो सिंपल आपने क्या करना है शिफ्ट सेल अप पे क्लिक कर देना है आपने और आपने ओके कर देना है. जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एम्प्टी सेल्स ये जो नीचे वाले सिलेक्टेड हैं इनका सारा जो डाटा है वो मूव हो गया आपके ऊपर वाले सेल्स के अंदर. अब आपके पास यहाँ पर आप देखें तो कोई भी आपका एम्प्टी सेल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा. यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सारा सेल जो है सिलेक्ट हो चुका है. आपकी हर रो के अंदर आपका जो सेल है वो सही है आपकी रो और कॉलम वाइज. इनके अंदर आप देखें तो आपके रो आपको यह डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी फ़ाइल का डाटा कुछ इस तरह है आई कॉलम में एच कॉलम में. लेकिन आपका पहले जो डाटा था कोई नीचे था कोई ऊपर था. अगर मैं कंट्रोल जी करके बैक आता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा कुछ इस हालत में था. लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल वाई करता हूं तो आप देखें कि हमारी जो हमने इसको डिलीट करके देखा है तो हमारे ये हालत इसके सामने आ गई है सेल्स के जो कि बिल्कुल क्लियर व्यू हो रहा है. सेकेंड आप हमारे पास जो ऑप्शन है कि यहाँ पर आप देखें तो एक लिस्ट के अंदर एक डाटा जो मैंने टाइप किया हुआ है और अगर मैं इनको डिलीट करना चाहता हूं तो आप क्या करते हैं कि आप पहले सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करने के बाद या आप राइट क्लिक करते हैं फिर आप डिलीट करते हैं. ये आप सिंपल किस तरह कर सकते हैं आपने सिंपल इनके ऊपर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपने माउस को छोड़ देना है एक बार दोबारा. फिर आपने जैसे ही आपके प्लस का जो निशान नज़र आएगा इसके ऊपर दोबारा आप क्लिक करेंगे और आपने उसी तरह दोबारा अपने जो है इसको सेलेक्ट करना है. पहले आप ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका डाटा सारा जो है लॉस हो जाए डिलीट हो जाएगा. इसी तरह अब मैं कंट्रोल सी करने के बाद वापस आता हूं तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे ये तीन जो हैं चार सेल्स के अंदर जो डाटा है मैंने डिलीट करना है. मैंने पहले इनको ऊपर से नीचे सेलेक्ट कर लिया. अब फिर ऊपर को जाऊंगा तो ये डाटा जो है डिलीट हो जाएगा. ऐसे ही अगर मैं इसको नीचे से लेके ऊपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है यहीं से फिर मैंने इसको ऐसे करना है तो ये डाटा जो है डिलीट हो जाएगा. यहाँ से भी आप एक रो है हमारी इसको सेलेक्ट किया मैंने पहले. सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्लस के निशान पर क्लियर रखा हुआ निशान तो आप देखेंगे ये डाटा डिलीट हो गया. आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो आपका या जितना आप ऊपर लेके जा रहे हैं आपका डाटा डिलीट हो रहा है जितना आपको चाहिए होगा. इस तरह आप अपनी फाइल का डाटा जो है आपको डिजिट वगैरह डिलीट करने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं. थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ट्रिक है वो है सीरीज़. अगर आपने बनानी हो जैसे कि आप नॉर्मली सीरीज़ बनाते हैं वन और टू लिख के आप ईज़िली इनको नीचे से ठीक है शिफ्ट के साथ दोनों को प्रेस कर लेते हैं फिर आप खींच के नीचे ले आते हैं जितनी आपको सीरीज़ चाहिए हो. लेकिन अगर आपने सीरीज़ बनानी है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइव और फाइव लिखने के बाद नीचे मुझे सीरीज़ चाहिए हर थ्री डिजिट के बाद जैसे कि एट इलेवन इस तरह की मुझे सीरीज़ चाहिए. तो आपने सिंपल जो भी आपने डिजिट जहाँ से शुरू करना है सीरीज़ में वहाँ पर आपने लिख लेना है. जैसे कि मैंने फाइव लिख लिया है
इसके बाद आपने अपने सेल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास है फिल की ऑप्शन। फिल की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आएगी सीरीज़ की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपने सीरीज़ किस टाइप की बनानी है, रो टाइप या कॉलम वाइज। रो टाइप बनाएंगे तो आपकी सीरीज़ इस तरह जाएगी LMNOP की तरफ, और अगर आप कॉलम टाइप बनाते हैं तो आपकी सीरीज़ नीचे की तरफ आएगी। आपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने रेंज बतानी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज है, हमने 5 लिख दिया, हमें कितनी चाहिए रेंज, 3 की चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक मुझे चाहिए, मैं सिंपल यहाँ पे 100 लिख लेता हूँ। मुझे 100 तक इनकी वैल्यू चाहिए 3 डिजिट के फ़र्क से। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि पूरी हमारी जो लिस्ट है यहाँ पे क्रिएट हो गई है 3 डिजिट के डिफरेंट के साथ, 5, 8, 11, 14, 17। तो ये हमारी लिस्ट है, आसानी हमने तैयार कर ली। इसी तरह फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास ट्रिक है, आप देखें तो आप देखें कि आप से कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है कि हमारे एक्सेल की जो शीट है इसके अंदर कितने सेल्स हैं और कितनी रो हैं। आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल आपने प्रेस करके रखना है, साथ आपने एंड का बटन प्रेस कर लेना है, और आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो एक्सेल आपको बिल्कुल नीचे, आपके जितने सेल्स हैं आपको नीचे लेके आ गया। ये आपके सेल्स की जो तादाद है आप देख सकते हैं कि 10,48,576 रो हैं हमारे पास टोटल नीचे तक। अगर आप इसी तरह कॉलम को देखना चाहते हैं, मैं इसे कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ तो मैं फर्स्ट टैब के ऊपर ही आ जाऊँगा, फर्स्ट सेल के अंदर। अगर मैं कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ यहाँ पर तो नीचे नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोल एंड और मैं एरो प्रेस करता हूँ तब नीचे आ रहा है। अब कंट्रोल होम प्रेस करके मैं फर्स्ट सेल के अंदर आ गया हूँ। अब हमने लास्ट देखना है कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। कॉलम्स हमारे पास जो होते हैं वो 16,384 होते हैं। ये शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और आपने अपने कीबोर्ड से अपने राइट एरो जो है आपने प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि आपका जो है एक्सेल आपको एंड पे ले आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं XFD लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 16,384 कॉलम्स हैं आपके पास, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करता हूँ और लेफ्ट एरो पे क्लिक करता हूँ तो मैं फर्स्ट रो पे, फर्स्ट सेल के अंदर मैं आ जाऊँगा। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि आपके पास जो ये सेल है इसकी विड्थ अगर आपने देखनी हो तो इसको आपने क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके सेल्स के साथ आपका जो एरो बना आ गया है 4 नुक्कड़ वाला, ये आपको बता रहा है कि आप अपने सेल्स की विड्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने कंट्रोल की मदद से अपने पेपर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ शीट को, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने देखें कि मैं अपनी जो शीट्स लेके आया हूँ इसके जो विड्थ साइज़ वो बता रहा है 255 ही आप लगा लें कि ये 255 विड्थ के मुताबिक आपकी शीट जो है, आपका जो कॉलम एक सेल जो है बिग हुआ है उसकी विड्थ बड़ी हुई है। इसी तरह अगर हाइट आप करना चाहते हैं, हाइट के लिए भी आपको उसी तरह अपना सेल जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे खींच के लेके आते हैं तो आपके पास नज़र आएगी हाइट 409 ही आप समझ लें कि आपके पास हाइट है, और विड्थ आपके पास देखें तो 255 है। ठीक है, हाइट आपके पास कितनी आई है, विड्थ हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे 255 है, 255, और हाइट हमारे पास कितनी आई है 408। और इसके अंदर जो डाटा हम टाइप कर सकते हैं, जो डिजिट हम लिख सकते हैं, वो अगर इसकी तादाद आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो हम डाटा लिख सकेंगे वो 32,767 डाटा होगा। 32,000 यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, बाय लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 32,767 डाटा होगा हमारा। ठीक है, 32767 हमारा डाटा इसके अंदर टाइप हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद की है। अंदर अंदर आप लिख सकें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लिखना शुरू हो जाएं, आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसको कंट्रोल ए की मदद से यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी आप डाटा जो है टाइप करते जाएँ, आपने प्रेस करके रखें या अपने माउस से, तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही ज़्यादा डाटा यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डाटा को, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो तादाद है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। अगर हम वर्ड के अंदर इस तादाद को देखें कि 32,767 कितने पेजेस पे आता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने नीचे क्लिक किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज इन्फो में
आपको बता रहा है कि पेज हमारे 55 पेजेज हैं, कि जो कि बहुत बड़ी तादाद में है, और साथ जो आपको वर्ड का डाटा बता रहा है वो 32,767 डाटा है। तो ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर हम एक सेल के अंदर अपना वर्क कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप जानते हैं कि यहाँ पर आप अपनी कितनी वर्कशीट बना सकते हैं, तो वर्कशीट आप एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में बना सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी जो मेमोरी है, रैम आपकी कितनी अच्छी है सिस्टम की, क्योंकि जितना अच्छा आपका सिस्टम होगा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, रैम आपके सिस्टम की कितनी अच्छी है और आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो कितनी अच्छी है। आप हार्ड ड्राइव में डाटा सेव करते हैं जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा सेव करते हैं GBs के अंदर, इसी तरह आपके पास एक्सेल की जो शीट्स है वो बेइंतहा आप उसको बना सकते हैं वर्कशीट्स। सिर्फ आपके पास रैम अच्छी होनी चाहिए और आपके पास आपकी जो है मेमोरी हार्ड ड्राइव उसके अंदर आपकी स्पेस अच्छी होनी चाहिए, तो तब आप जितनी मर्ज़ी आप चाहें वर्कशीट्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये सीक्रेट जो टिप्स थे जो हमारे एक्सेल के अंदर हम सीक्रेट सीखे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे YouTube चैनल Enjoy Info को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।